भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान बिलंबु प्रास मन माही। वही तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कहे बाते मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक परी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा, सबय सप्रेम विनीत अते सकूच सहित दो पाई, गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जिस प्रवेश मुन आय सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो पाई, जिनके चरण सरो रूह लागी, करत विभीद जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों पाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं।